बीते 36 दिनों से पुलिस के लिए रोनिल हत्याकांड पहली बना हुआ था जिसे वह सुलझा नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से यह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सिर्फ एक किस के चक्कर में रोनिल की हत्या कर दी थी। जानिए क्या था पूरा मामला और क्यों की गई थी हत्या। 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार इनकी डेड बॉडी मिली थी। वो घटना घटित होने के उपरांत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ था उसके खुलासे के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। इस केस को खुलने में काफ़ी समय लगा, लगभग 35 दिन इसमें समय लगा। रोनिल सरकार के माता पिता विशेषकर उनके पिताजी श्री संजय सरकार जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग था और उनके द्वारा हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसमें हमसे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। इस घटनाक्रम के खुलासे में पुलिस टीम में जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, जो डीसीपी ईस्ट, ये सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। इसके पीछे कारण ये भी था कि ये घटनाक्रम स्कूल के छात्रों के बीच काफ़ी पूछताछ पे निर्भर करता था, इसका खुलासा उस पर निर्भर करता था, तो अत्यंत ही केयरफुल रहते हुए इसमें पूछताछ और इंट्रोगेशन किया जाना था। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस का पेशेंस, रोनिल सरकार के माता पिताओं का सहयोग और हमारी जो टीमें इसमें लगी थी उनकी पूर्ण निष्ठा और लगन के फलस्वरूप आज कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट करने में सफल रही है। यह केस ऐसा है जिसमें पूछताछ के दौरान बातचीत से बातें निकलने से ज़्यादा डिजिटल एविडेंसेस और वैज्ञानिक तरीकों पे अत्यंत ही बल दिया गया था और उन्हीं तरीकों से इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। इस विवेचना में क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या डिजिटल एविडेंसेस हैं, इसके बारे में अभी विस्तार से आपको मेरे साथी अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा जिन्होंने इस केस पे कार्य किया है। इस केस में एक विकास नाम के लड़का है, वो भी उसका नाम प्रकाश में आया, इसके खिलाफ पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है। इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसमें लगी थी, मैं सभी अधिकारी जो इसमें परिश्रम किए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और जो हमारे अराजपत्रित अधिकारियों के दल इसमें लगे थे उनको भी मैं बधाई देता और उनको मैं पुरस्कृत करने की भी घोषणा करता हूँ।